दिल्ली शराब नीति केस और केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में अब जय चंद की एंट्री हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ सरकारी गवाहों पर भी हमला बोला। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया कि उनकी गिरफ्तारी सरकारी गवाह बन गए जय चंदों के बयानों के आधार पर की गई है। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी उन आरोपी शख्सों के बयानों पर आधारित थी जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, जबकि उनके खिलाफ कोई और सबूत नहीं थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा जय चंद से की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों का साथ देकर भारतीय शासकों को धोखा दिया था। जय चंद को लेकर कहा जाता है कि उसने गौरी राजवंश के साथ मिलकर भारतीय शासकों को धोखा दे दिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे सरकारी गवाहों की तुलना ट्रोजन हॉर्स यानी कि लकड़ी का घोड़ा से भी की, जिसका काम लोगों को फंसाना होता है। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के जरिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर बहस के दौरान ये दलीलें दी गईं। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी गवाह कहा जाता है, हमारे इतिहास में चाहे फिर वो अच्छे मकसद के लिए हैं या फिर बुरे, अदालतों ने ऐसे लोगों को जय चंद और ट्रोजन हॉर्स जैसे शब्दों से नवाजा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि एक सरकारी गवाह सबसे कम भरोसे लायक दोस्त होता है। कोर्ट में अपनी दलीलें देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि केजरीवाल को उन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जो पहले इस मामले में अरेस्ट हुए थे। बाद में जैसे ही वो सरकारी गवाह बने वैसे ही उन्हें जमानत मिल गई। ये संवैधानिक सुरक्षा उपायों की धज्जियां उड़ाने जैसी बात है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।